राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से पानी की किल्लत हो रही है। लगभग चार दिन बाद ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में पानी पहुंच गया है। रिपेयरिंग के काम के कारण यहां पानी की सप्लाई प्रभावित थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड ने मरम्मत का काम यहां बीते शनिवार शाम को पूरा करने का दावा किया था, लेकिन इसके बाद भी लोगों को जब पानी नहीं मिला तो एक बार फिर से लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी। अब दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली के लगभग 90% हिस्सों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली के अंदर कोरोना के नए मरीजों की संख्या व अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली की संक्रमण दर काफी कम है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.6% है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब की तुलना में कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले त्यौहार होली को लेकर कहा है कि पर्यावरण के साथ साथ पानी का भी बचत के लिए लोगों को सुखी होली खेलनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में अब सड़कों पर ऑटोमेटिक वाटर ट्रॉली नजर आएंगी। आपको बता दें कि पानी की ट्रॉली को अपग्रेड किया गया है और इसमें नए फीचर शामिल किए गए हैं, यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक वाटर ट्रॉली नजर आएंगी। इसके साथ ही इन पानी की ट्रॉली में स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं। इसमें प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल ग्लास का उपयोग पर जोर दिया जाएगा और कचरे के निपटान के लिए एक कूड़ेदान को कवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1623 ऐसे ट्रॉलियां हैं जो एक गिलास पानी के लिए लगभग 2 रुपए चार्ज करती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गंगा से किसी एक समुदाय या संप्रदाय का ही लगाव नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग किसी न किसी रूप से गंगा से जुड़ाव रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की 43% जनता गंगा के किनारे रहती है। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए सरकार द्वारा 2015 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अच्छे परिणाम भी आए, परंतु अभी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि ये सभी देशवासियों का कर्तव्य है। झारखंड के रांची स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में छात्र परिजनों और स्कूल प्रशासन के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। दरअसल परिजनों का आरोप है कि फीस को लेकर स्कूल से धमकी दी गई और बच्चों को वापस ले जाने के लिए कहा गया। फीस जमा करने में असमर्थता दिखाने पर स्कूल ने बच्चों के माता पिता से बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह दी। स्कूल के व्यवहार से भड़के परिजनों ने स्कूल में एकत्र होकर हंगामा करने लगे। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं पंजाब सरकार ने 12वीं और 10वीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं टालने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू 17 मार्च से लागू होगा। जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के 18 शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। देश में कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 24,492 नए मामले सामने आए हैं और 131 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,14,09,831 हो गई है, जिसमें से 2,23,432 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,10,27,543 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक भारत में 1,58,856 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह 8 बजे AQI 229 रहा। वहीं सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 206 रिकॉर्ड किया गया। IMD के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि गुरुवार के बाद ही हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार और बदलाव होने की उम्मीद है। CPCB के मुताबिक दिल्ली के 5 इलाकों की हवा में प्रदूषक PM2.0 और PM10 भी ज्यादा रहा। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही, जबकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी सोमवार को खराब श्रेणी में दर्ज की गई। देश के कई राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। IMD ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च से अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 19 मार्च तक बारिश हो सकती है। इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा अगले 5 दिनों में 18 से 20 मार्च तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है।
झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि 19 मार्च से एक बार फिर से आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।